नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व कैंसर दिवस पर भागलपुर में निकाली गई जागरूकता रैली, डॉक्टरों ने कैंसर से बचाव के बताए उपाय। लंबित वादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, जिला जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शहर में विधि व्यवस्था को लेकर डीएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक, क्राइम कंट्रोल के दिए निर्देश। छह फरवरी को टीएमबीयू की मेजबानी में शुरू होगी एकलव्य प्रतियोगिता, कुलाधिपति करेंगे उद्घाटन। और सड़क सुरक्षा के प्रति जिला प्रशासन एवं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ने चलाया जागरूकता अभियान, बाइक चालकों के बीच बांटे हेलमेट। अब समाचार विस्तार से। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। आधुनिक विश्व में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है। भागलपुर में भी वर्ल्ड कैंसर डे पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदर अस्पताल परिसर से इंडियन डेंटल एसोसिएशन एवं विभिन्न सामाजिक संगठन के बैनर तले जागरूकता रैली निकाली गई। ओरल कैंसर जागरूकता रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने रवाना किया। इसके बाद आईडीए, रोटरी क्लब, लायंस क्लब एवं सफाली से जुड़े लोगों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर लोगों को जागरूक किया। रैली के दौरान दंत चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने माइकिंग कर कैंसर से बचाव के उपाय बताए। वहीं डॉक्टर संजय, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर शरण, डॉक्टर शुभंकर, डॉक्टर अजय भारती और डॉक्टर नवीन ने बताया कि दुनिया की सभी जानलेवा बीमारियों में कैंसर सबसे खतरनाक है, क्योंकि कई बार इसके लक्षणों का पता ही नहीं चलता है। सदर अस्पताल परिसर से निकाली गई रैली में नर्सिंग की छात्राएं काफी संख्या में मौजूद रहीं। वहीं लायंस क्लब के पंकज टंडन, रोटरी क्लब के मिथिलेश कुमार, अरविंद तिवारी, प्रकाश चंद्र गुप्ता, वीरेंद्र बादल समेत कई लोगों ने विभिन्न चौक चौराहों पर कैंसर से बचाव के उपाय बताए। इधर शहर के कई चिकित्सकों ने विश्व कैंसर दिवस पर अपने अपने क्लिनिक में मरीजों की निःशुल्क जाँच की। भागलपुर स्टेशन चौक पर शिवनारायण डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज किया, जबकि कचहरी चौक के समीप डेंटल अस्पताल में डॉक्टर सनातन कुमार ने मरीजों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की बात कही। इस दौरान डॉक्टर सनातन ने कई लोगों को विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य बताया। आज विश्व कैंसर दिवस है और इसको लेकर के जो है हम लोगों ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर साथ में लायंस क्लब और रोटरी क्लब और नर्सिंग की छात्राओं के साथ एक जागरूकता मार्च सदर अस्पताल से खलीफाबाग और वापस लौटते हुए हम लोगों ने सदर अस्पताल तक किया। इसका शुभारंभ जो है सदर अस्पताल से ही हुआ था और रास्ते में हम लोगों ने सभी लोगों को पर्चा बांटा, कैंसर के बारे में जागरूक किया, माइकिंग की, माइक से कैंसर के संबंध में सारी जानकारी दी और हम लोग निःशुल्क सेवा भी दे रहे हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, ये हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा ये मनाया जाता है पूरे विश्व में। इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है और हमारे राज्य में, बिहार राज्य में, बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, इसमें मुंह का कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा अभी घातक और घातक रफ्तार से मतलब तेज़ी पकड़ रहा है। और जो तंबाकू का सेवन, गुटखा का सेवन, पान पराग या और भी जर्दा, सुपाड़ी, ये सब का जो सेवन हम लोग कर रहे हैं और इसके कारण मुँह का कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हर रोज़ हम महीनों में, मतलब महीने में मेरे कम से कम मेरे ओपीडी में 30-40 पेशेंट आते हैं जिनको कि कैंसर हो चुका होता है और उनकी बायोप्सी करके उसको प्रूव करते हैं कैंसर है और उनका फर्दर आगे इलाज करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 8 फरवरी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को जिला जज अरविंद कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला जज ने कहा कि भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव में लंबित वादों के निपटारे के लिए बेंच बनाया जाएगा, जिसमें दोनों पक्ष की आपसी सहमति से केस का निष्पादन होगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में NI एक्ट, धन वसूली वाद, श्रम विवाद, बिजली, आपराधिक एवं दीवानी, मोटर दुर्घटना दावा, भूमि अधिकरण एवं राजस्व सहित न्यायालय में लंबित वादों का दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराकर मामले का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत हम लोगों की हुई थी, उसमें हम लोगों ने 21.25 करोड़ रुपए से अधिक का सेटलमेंट किया था, 20.79 करोड़ (784,506), ये एक अचीवमेंट रहा है भागलपुर का, इसमें आप लोगों का सहयोग रहा है, हमेशा रहता है।
और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार का सहयोग इस बार भी रहे, आगे भी रहता रहे, ताकि हम लोग इस कार्य जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है ये माननीय अपेक्स बोर्ड द्वारा संचालित है, निर्देशित है, ये अधिक से अधिक सफल हो, भागलपुर की जनता को, बिहार की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले, हम लोग लाभ पहुँचा सकें, ये आपसे अपेक्षा करते हैं। भागलपुर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने मंगलवार को शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक की। प्रत्येक माह होने वाले बैठक में डीएसपी ने क्राइम कंट्रोल पर विशेष जोर दिया। मासिक समीक्षा बैठक के दौरान डीएसपी राजवंश सिंह ने सभी थाना अध्यक्ष को इलाके में रात्रि गश्ती तेज करने, फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने और लंबित केसों का निष्पादन तेजी से करने का निर्देश दिया। वहीं डीएसपी राजवंश सिंह ने केस अनुसंधान में तेजी लाने का निर्देश दिया, साथ ही शराब तस्कर पर नकेल कसने के लिए इलाके में अपराधियों पर नजर रखने की बात कही। शहरी क्षेत्र के थानाध्यक्ष को डीएसपी ने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने और चिन्हित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान राजवंश सिंह ने थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप बेहतर बनाने और पुलिस संवाद के जरिए लोगों की समस्या दूर करने की बात कही। समीक्षा बैठक में डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि कार्य में कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान कई थानाध्यक्ष ने डीएसपी राजवंश सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की मेजबानी में 6 फरवरी से एकलव्य खेलकूद प्रतियोगिता शुरू होगी। अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन कुलाधिपति फागू चौहान करेंगे। वहीं एकलव्य प्रतियोगिता को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तैयारी अंतिम चरण में है। मंगलवार को विश्वविद्यालय स्टेडियम में राज्यपाल के आगमन और वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर कई प्रकार की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। वहीं पंडाल निर्माण समेत रंग रोगन का कार्य तेजी से होता दिखा। प्रतियोगिता को लेकर आयोजन सचिव डॉक्टर सदानंद झा ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, चेस समेत कई प्रकार के खेल होंगे। आयोजन सचिव ने दावा किया कि बुधवार तक सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान क्रीडा परिषद के सभी कर्मचारी और एकलव्य से जुड़े अधिकारी अपने अपने कार्य में व्यस्त दिखे। कन्वेनर डॉक्टर हलीम अख्तर ने बताया कि एकलव्य प्रतियोगिता में कई मंत्री और खेल प्रेमी शिरकत करेंगे। एकलव्य प्रतियोगिता को लेकर पंडाल का निर्माण हो गया है और जो बचा हुआ आज पूरा कर लिया जाएगा और खेल जहाँ जहाँ भी खेल आयोजित किया जाएगा सभी खेल के मैदान में और उस खेल के एरिना को ठीक कर दिया गया है। भोजन वगैरह की खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था कर ली गई है, खेल सामग्रियाँ आपूर्ति करा ली गई हैं और सभी चीज़ें मुकम्मल सभी चीज़ों की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में माउंट कार्मेल स्कूल की छात्राओं ने यातायात नियम के पालन को लेकर बाइक चालकों को जागरूक किया और बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोक कर हेलमेट पहनाया एवं चॉकलेट दिया। साथ ही घर से निकलने से पूर्व हेलमेट का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। दरअसल लगातार सड़क हादसे में जान गंवा रहे लोगों को देखते हुए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ और राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की ओर से भागलपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैफिक नियम को लेकर लोगों के बीच हेलमेट वितरण किया जा रहा है। बाइक चालकों के बीच हेलमेट बांट रही छात्राओं ने कहा कि जीवन अनमोल है और जीवन को बचाने के लिए सभी लोगों को यातायात नियम का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। स्कूल गेट के समीप सड़क किनारे कतारबद्ध होकर छात्राओं ने कार चालकों से सीट बेल्ट बांधने और मोटरसाइकिल चालकों से हेलमेट लगाने की बात कही। वहीं स्कूल की प्राचार्य सिस्टर प्रतिभा एसी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान का प्रयास सराहनीय है। राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की अध्यक्ष अनुराधा खेतान ने कहा कि बिना हेलमेट बाइक चलाने के कारण लोग हादसे में अपनी जान गंवा रहे हैं। इस मौके पर समाजसेवी रघु नायक भगत, मनोज बुधिया, राकेश शर्मा, प्रकाश गोयंका, सुमित अग्रवाल एवं एमबीआई अनिल कुमार दल बल के साथ मौजूद थे। आइए हम आपको दिखाते हैं यातायात नियम को लेकर माउंट कार्मेल स्कूल की छात्राओं ने क्या कुछ कहा। वो लोग समझ नहीं पा रहे कि हम लोग को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उससे हम लोग कोई भी एक्सीडेंट में भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग भी कार्मेल स्कूल भागलपुर हम लोग भी हेलमेट प्रोवाइड कर रहे हैं सबको, इसलिए हम I request to every people to wear helmet while driving. देखिए आजकल लोग हेलमेट के बिना जा रहे जो उनके लिए अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, तो उन्हें अपनी सुरक्षा बरतनी चाहिए जिसके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ये ऐसी कैसी कि इधर हेलमेट बहुत लोगों ने नहीं पहना है, तो हम लोग हेलमेट का इधर
कर रहे हैं और उनको हेलमेट दे रहे हैं ताकि वो सेफ रहे। मतलब ऐसे अपने बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत लोग घायल भी हो जाते हैं, ताकि अच्छी लाइन में इसलिए खड़े क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई हेलमेट नहीं पहन रहे जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। और जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हेलमेट पहने, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे हेलमेट नहीं पहनते तो उसी को लेकर हम एक चेन बनाए। आयोजन जो था ये बच्चों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया भागलपुर में कार्मल स्कूल के द्वारा। ये जिला प्रशासन भागलपुर की अपील कि हेलमेट पहन के यात्रा करें, बिना हेलमेट यात्रा ना करें, ट्रिपल लोडिंग ना चलें, इसके लिए कार्मल के बच्चों से सभी को निःशुल्क निस्वार्थ हेलमेट वितरण कराया गया, साथ ही चॉकलेट्स दिया गया उनको। और उनको ये बताया गया कि उनके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं और अपील की गई है कि सभी हेलमेट पहन के यात्रा करें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है उस व्यक्ति का, तब उसके परिवार के लोग बेबस हो जाते हैं और उनको कोई मदद नहीं मिल पाती है। इसलिए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ संपूर्ण भारतवर्ष में जागरूकता अभियान, नशा छुड़ाने के साथ साथ ट्रैफिक को लेकर सड़क सुरक्षा सप्ताह भी हम लोग मनाते हैं। और पूरे बिहार में, पूरे देश भर के हर राज्यों में जाके हम लोग हेलमेट पहनने का ये मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि आप हेलमेट जरूर पहनें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र का आमरण अनशन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष धरना पर बैठे रहे और मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं धरना पर बैठे ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने कहा कि वह कई वर्षों से थानाध्यक्ष के निर्देश पर संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी से लेकर त्योहारों के मौकों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करते आ रहे हैं, साथ ही आपदा के समय भी प्रशासन को सहयोग करते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने लाठी, टॉर्च, वर्दी, मानदेय एवं स्थायीकरण करने की मांग सरकार से की है। जिला अधिकारी महोदय ने निर्णय दिया कि ठीक है, आप लोग कल आइए, कल आप लोगों का जो है लाठी टॉर्च वर्दी लाठी टॉर्च जो है और वेतन के लिए हम सरकार को लिखेंगे और लाठी टॉर्च वर्दी आप लोगों को जल्द ही आवंटन कराएंगे। इसलिए आप लोग अनशन धरना तोड़ दीजिए और कल आइए और आप लोगों का हम कार्य करेंगे। आप लोगों का धरना हम सुन लिए, ठंडी का भी है मौसम। विक्रमशिला सेतु से मंगलवार की दोपहर एक युवती ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान युवती को नदी में छलांग लगाता देख स्थानीय नाविकों ने युवती को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद युवती को इलाज के लिए बरारी पुलिस ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। युवती की पहचान बीहपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर भतरा गांव निवासी दिनेश दास की 15 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घायल युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि पूजा घास काटने ब्रह्म स्थान गई थी, वहीं स्नान करने के दौरान वह डूबने लगी, जिसे नाविकों के द्वारा नदी से बाहर निकाला गया। बांका के धौरैया प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान में मंगलवार को राजद की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस दौरान राजद नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व विधायक सह राजद के वरिष्ठ नेता नरेश दास ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्र व समाज के नव निर्माण में अहम योगदान दिया है।
उनके बताए रास्ते पर चलने से ही देश एवं समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। इस अवसर पर मोहम्मद इकबाल, त्रिभुवन प्रसाद, नवल किशोर यादव, साजन कुमार, पंकज सिंह, तबरेज आलम समेत कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। इंटर परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को सेंटर पर विलंब से पहुंची छात्रा को कॉलेज गेट पर ही रोक दिया गया, जिसके कारण छात्रा परीक्षा से वंचित हो गई। इस दौरान परीक्षा में शामिल नहीं होने की सूचना छात्रा ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद सेंटर पहुंचे परिजनों ने कॉलेज के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल डीएन सिंह कॉलेज भूसिया में मंगलवार को होने वाली परीक्षा के दौरान छात्रा 2 मिनट विलंब से सेंटर पहुंची, जहां कॉलेज प्रबंधन ने देर से आने के कारण छात्रा को गेट पर ही रोक दिया। और अंत में चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व कैंसर दिवस पर भागलपुर में निकाली गई जागरूकता रैली, डॉक्टरों ने कैंसर से बचाव के बताए उपाय। लंबित वादों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, जिला जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शहर में विधि व्यवस्था को लेकर डीएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों के साथ की बैठक, क्राइम कंट्रोल के दिए निर्देश। छह फरवरी को टीएमबीयू की मेजबानी में शुरू होगी एकलव्य प्रतियोगिता, कुलाधिपति करेंगे उद्घाटन। और सड़क सुरक्षा के प्रति जिला प्रशासन एवं केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ ने चलाया जागरूकता अभियान, बाइक चालकों के बीच बांटे हेलमेट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।